आज नया सूरज शुरू होगा जिसकी रोशनी पूरे मुल्क में होगी। खतरनाक बादल जो पाकिस्तान पर बरसना चाहते थे वो खत्म हो गए। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का कौमी असेंबली से खिताब, कहा कौमी यकजहती और इत्तफाक राय की शानदार मिसाल एक बार फिर कायम हुई है। हुकूमतों को घर भेजा जाता था, मुल्क को अरबों का नुकसान हुआ, लाखों लोग इंसाफ के लिए तरस रहे हैं, तरमीम से इंसाफ आसान होगा। मिसाक जमहूरियत पर कायद नवाज शरीफ और बेनज़ीर भुट्टो ने दस्तखत किए, मिसाक जमहूरियत पर मौलाना फजल रहमान ने भी दस्तखत किए। हुकूमत इत्तेहादी जमातों जेयूआई आजाद अरकान ने वोट डाले। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने कहा कि नवाज शरीफ के साथ बेनजीर भुट्टो शहीद को भी खिराज तहसीन पेश करना चाहता हूं। उन्होंने कहा कि बिलावल भुट्टो ने इस तरमीम के लिए खलूस से दिल से मेहनत और काविश की। मौलाना फजलुर रहमान का भी शुक्रिया अदा करना चाहता हूं। आज इंशाल्लाह एक नई सुबह शुरू होगी, एक नया सूरज आज निकलेगा इंशाल्लाह। जो एक मालाती साजिश हुआ करती थी और जिसके ज़रिए हुकूमतों को घर भिजवाया जाता था, जिसके ज़रिए वज़ीरे आज़म को उनकी छुट्टी कराई जाती थी रेकोटेक कार के, जिससे कि पाकिस्तान के ख़जाने को अरबों डॉलर के नुकसान हुए, अल्हम्दुलिल्लाह आज वो चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी जो कि 2006 में लंदन में जिसके ऊपर दस्तखत हुए शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो और मेरे कायद मियां मोहम्मद नवाज शरीफ के दरमियान, और उसके बाद हज़रत मौलाना ने भी उसके ऊपर अपना तस्दीक की और दूसरी पार्टियों ने भी, आज वो अधूरा ख्वाब आज वो पाया तकमील तक पहुँचा।